डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज हम डिस्कस करेंगे दो क्वेश्चंस को। उसमें से पहला क्वेश्चन ये है, शो दैट सीरीज पावर सीरीज z रेज टू द पावर n डज नॉट कन्वर्ज एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। और दूसरा क्वेश्चन ये है, सीरीज पावर सीरीज जेड एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर कन्वर्जिज एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, है ना। तो पहले में हमें ये चेक करना है कि जो पावर सीरीज गिवन है वो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस की जो सर्कमफेरेंस है, बाउंड्री पॉइंट्स हैं, उन बाउंड्री पॉइंट्स पे ये पावर सीरीज कन्वर्ज नहीं कर रही है। और सेकंड में हम ये चेक करेंगे कि बाउंड्री के सारे पॉइंट्स पे पावर सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले वाले को अटेम्प्ट करेंगे। पहले वाले केस में पावर सीरीज क्या गिवन है, द पावर सीरीज इज सीरीज z रेज टू द पावर n, राइट। सेकेंड में है सीरीज z रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, राइट। तो पहले वाले क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। पहले तो सबसे पहले ऑन ऑन कंपेयरिंग ऑन वन मिनट, मुझे सबसे पहले इसको सिलेक्ट करने दो। ऑन कंपेयरिंग द गिवन पावर सीरीज Zn with the power series An Zn, we have An क्या हो जाएगा इस वाले केस में, 1 for every n, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी होगी। तो सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू मेथड्स। वन इज, उसमें से पहला कौन सा है, ये वाला आर इज 1 बाई लिमिट एन गोज टू इंफिनिटी मॉडुलस ए एन होल रेज टू द पावर 1 बाई एन, ठीक है। एंड अदर वन इज R is limit n tends to infinity modulus an divided by modulus an plus 1, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। वैसे भी इस केस में an हमारा 1 है, यानी पहली टर्म भी 1 है, a1 1 है, a2 1 है, a3 1 है, a4 1 है, सो इट इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस, राइट। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज करें तो मॉडुलस ऑफ an क्या हो जाएगा, सो आई एम यूजिंग दिस फर्स्ट वन, मॉडुलस ऑफ an, 1 का मॉडुलस 1 फॉर एवरी n। अब मॉडुलस ऑफ an होल रेज टू द पावर 1 बाय n, ये भी 1 रेज टू द पावर 1 बाय n, दैट इज अगेन 1। उसके बाद आप लिमिट कैलकुलेट करो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉडुलस ऑफ an होल रेज टू द पावर 1 बाय n, that is again 1, that is again 1। तो लिमिट क्या आ गई हमारे यहाँ पे, रेडियस क्या आ गई, रेडियस आ रही 1 by 1, that is again 1। So ROC रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ रही है इस केस में, that is coming out to be 1। So रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ROC रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज टर्निंग आउट टू बी 1, ठीक है।
अब हमें क्या चेक करना है, सो बाई कोशीज हेडमर्ड थ्योरम ये जो सीरीज होगी सीरीज जेड एन दिस दिस कन्वर्जेस कन्वर्जेस फॉर मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन वन, यानी सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स पे ये पावर सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट रहेगी एंड डाइवर्जेस मॉडुलस ऑफ जेड ग्रेटर देन वन, और सर्कल के बाहर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स पे ये सीरीज डाइवर्जेंट रहेगी। दुविधा कहां पे है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है हमारे पास, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ठीक है, इसको नहीं लिखना है आपने एग्जाम में, तो जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है हमारे पास ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, तो ऑन द सर्कल पे इक्वेशन क्या होगी, मॉडुलस ऑफ जेड, वो पॉइंट्स जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, वन होगा। तो अब हमें बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक करना होगा कि ये पावर सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। उसके लिए सबसे पहले SOPS इसका कैलकुलेट करो, SN, SN क्या होगा, SN will be summation A K where K is anything from 1 to N, the sum of first N terms, the sum of first N terms, तो A1 क्या हो जाएगा इस केस में, A1 will be Z plus Zn ठीक है, तो इफ आई टेक आउट दिस कॉमन Zn माइनस वन, सो इट इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज राइट, तो ज्योमेट्रिक सीरीज का आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वन माइनस जेड रेज टू पावर एन बाई वन माइनस कॉमन रेशो दैट इज जेड, एंड दिस Sn, ये जो Sn है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ दिस सीरीज, this series Zn, this is only defined when Z जो है वो 1 के बराबर ना हो, बाकी सारे पॉइंट्स पे it is defined ठीक है। इस Sn को प्रॉब्लम कहाँ पे होने वाली है, Z is equal to 1 पे, क्योंकि वहां पे ये defined नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा कि Z is equal to 1 पे हमें इस पावर सीरीज को अलग से चेक करना होगा ठीक है, बाकी पॉइंट्स पे तो हम चेक कर ही रहे हैं। अब देखो आप Sn आ रहा है हमारा, Sn is Z1 minus Zn divided by 1 minus Z provided Z is not equal to 1. Now, as modulus of Z is equal to 1, ये जो sequence है Zn, this is divergent, ठीक है, this sequence is divergent, modulus of Zn approaches to infinity ठीक है। फ्रॉम द बुक ऑफ रियल एनालिसिस आप लोगों ने इस सीक्वेंस के बारे में पढ़ा होगा, द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इज 0 0 ठीक है, इफ मॉडुलस ऑफ ए इज लेस देन 1 एंड इंफिनिटी इफ मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी डाइवर्जेंट। सो यू कैन यूज दिस वन, you can use this limit, so on modulus of z is equal to 1 this sequence goes to infinity or no divergent, iska matlab ye jo hoga sn, this sn is not convergent as n goes to infinity on modulus of z is equal to 1 right। तो अगर किसी, ये तो बेसिक जैसा कंसेप्ट है, ये हमने रियल एनालिसिस में भी पढ़ा था कि कोई एक सीरीज कन्वर्जेंट तब होती है इफ एंड ओनली इफ उसका जो SOPS है वो कन्वर्जेंट हो जाए, तो अगर वो SOPS कन्वर्जेंट नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि वो पावर सीरीज भी कन्वर्जेंट नहीं होगी right। इसका मीनिंग ये हुआ, दिस सीक्वेंस विच इज अ
सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट नहीं है तो ये पावर सीरीज जो होगी दिस इज ऑल्सो नॉट कन्वर्जेंट, दिस पावर सीरीज इज ऑल्सो नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, बट ध्यान रहे एक पॉइंट हमारा हमारे पास अभी भी बच रहा है, वो कौन सा है, वो z इज इक्वल टू वन वाला पॉइंट। तो इस पे हम अलग से चेक कर लेते हैं, इस पॉइंट पे एट z इज इक्वल टू वन, इस पॉइंट पे ये सीरीज क्या हो जाएगी, दिस सीरीज इज समेशन वन विच इज नॉट कन्वर्जेंट सीरीज। क्यों, इसका एसओपीएस फाइंड कर लो आप। एसओपीएस क्या आएगा, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स विच इज एन एंड इट गोज टू इंफिनिटी। एज जैसे ही एन इंफिनिटी की तरफ अग्रसर होगा ये जो आप एसओपीएस है ये भी इंफिनिटी की तरफ भागेगा, रन करेगा। सो दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट क्योंकि इसका एसओपीएस भी कन्वर्जेंट नहीं आ रहा है एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो इट्स टाइम टू ड्रॉ आउट आवर कंक्लूजन, दिस is not convergent on modulus of z is equal to 1, convergent for interior points, divergent। तो अगर हम इसको क्लब करके भी लिखूं मैं तो यहीं पे भी लिख सकता हूं modulus of z greater than 1 minute, greater than or equal to 1। तो ये आ गया इसका कंक्लूजन, दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट फॉर द पॉइंट्स जो बाउंड्री पे पॉइंट्स हैं और जो उस बाउंड्री से बाहर के पॉइंट्स हैं। सो फॉर दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट फॉर मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड कन्वर्जेंट फॉर मॉडुलस ऑफ z। तो सब कुछ निकाल लिया हमने, ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है रेडियस 1 का, से इट इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 1। तो इस बाउंड्री पे बाउंड्री के पॉइंट्स पे ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, बाहर के पॉइंट्स पे भी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, ये लिखा हमने यहाँ पे भी। और ये जो इनसाइड के पॉइंट्स हैं, ये जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं, ये जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं, इन अंदर वाले पॉइंट्स पे सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट। ठीक है, अंदर वाले पॉइंट्स पे सीरीज कन्वर्जेंट है, बाहर सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है। ऑन द सर्कल ये भी सीरीज क्या है, यहाँ पे भी डाइवर्जेंट है। तो इस तरह से हमने पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को कवर कर लिया है। ठीक है, अब कोई भी एक पॉइंट जो है वो छूटा नहीं है जिसपे हम ये ना कह सके कि इस पे हमने अभी तक इसको फाइंड आउट नहीं किया है। तो सर्कल के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं, अंदर वाले पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस 1 से लेस है, उन सारे पॉइंट्स के लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट रहेगी। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के लिए ये सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट रहेगी। नाउ सेकेंड क्या था हमारे पास, सेकेंड ये था, सेकेंड सीरीज थी हमारे पास सीरीज Zn by n square। ठीक है, इसको चेक करने के लिए An क्या हो जाएगा इस केस में, सीरीज Zn by n square। तो An हो जाएगा हमारे पास 1 by n square for all n। तो इसके लिए आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। तो मॉडुलस निकाल लो इसका, दो मेथड्स हैं आपके पास ROC फाइंड करने के लिए। तो इसका मॉडुलस क्या है, यही रहेगा बिकॉज इट इज पॉजिटिव, 1 बाय n पावर निकालो इसकी, 1 बाय n। ठीक है, तो इस पावर को हम एक्सचेंज कर सकते हैं n रेज़ टू पावर 1 बाय n होल स्क्वायर। नाउ टेक इट लिमिट, नाउ टेक अ लिमिट। तो लिमिट क्या आएगी इसकी, लिमिट इज 1 by n raised to power 1 by n whole square। We know that limit is इसकी limit क्या होती है, तो ये हो जाएगा आपका limit, this becomes 1 by limit n raised to power 1 by n whole square n goes to infinity which is 1 by 1 square that is 1। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ रही है हमारी यहाँ पर, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज कमिंग आउट टू बी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ रही है यहाँ पे, 1। ठीक, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1। तो बाय कोशी ज़ेडमर थ्योरम ये जो सीरीज है दिस कन्वर्जेस फॉर मॉडुलस ऑफ z लेस देन 1, डाइवर्जेस फॉर मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर देन 1।
तो कहां पे चेक करना है? चेक करना है बाउंड्री वाले पॉइंट्स पे, यानी ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1। यहां इन पॉइंट्स पे हम चेक करेंगे कि क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो चेक करो इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस चेक करके देखते हैं क्या आता है। तो इसका मॉडुलस क्या आएगा? मॉडुलस इज बाई एन स्क्वायर इज पॉजिटिव, राइट, एन स्क्वायर इज पॉजिटिव, एन स्क्वायर इज पॉजिटिव, सो दिस इज 1 रेज टू द पावर एन बाई एन स्क्वायर। 1 क्यों? बिकॉज मॉडुलस ऑफ z क्या है? मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1, सो बाउंड्री पॉइंट्स का जो मॉडुलस होता है वो हमेशा 1 होता है इस केस में, क्योंकि यहाँ पे ROC क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है, तो बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का जो मॉडुलस होगा वो 1 होगा। तो दिस सीरीज इज 1 बाई एन स्क्वायर, 1 टू इन्फिनिटी, एंड आई नो यू गाइज आर फेमिलियर विद दिस सीरीज, ठीक है, इस सीरीज को हम कई बार पढ़ चुके हैं, सीरीज 1 बाई एन स्क्वायर विच इज अ कन्वर्जेंट सीरीज, विच इज अ कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, इफ यू गाइज डोंट नो अबाउट दिस सीरीज, तो आप मेरी वीडियोज में चेक कर सकते हो, मैंने कहीं ना कहीं इसका प्रूफ जरूर किया है। आप कोशीज टेस्ट भी यूज कर सकते हो, कोशीज कन्वर्जेंस क्राइटेरिया CCC, ठीक है, या फिर आप पी सीरीज टेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। पी सीरीज टेस्ट कहती है सीरीज 1 बाई, दिस इज पी सीरीज टेस्ट, दिस इज कन्वर्जेंट इफ पी इज ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट इफ पी इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये होता है आपका पी सीरीज टेस्ट, दिस इज योर पी सीरीज टेस्ट। सो आइदर यू कैन यूज दिस टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट, अगर पी 1 है तो यहां पे इन दिस केस पी इज, इस केस में पी 2 है विच इज ग्रेटर देन 1, सो बाय पी सीरीज टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो इन सर्कल के सभी पॉइंट्स पे, बाउंड्री के इस बाउंड्री सर्कल की बाउंड्री के सभी पॉइंट्स पे ये सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट। या फिर आप कोशीज कन्वर्जेंस क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हो। तो एट द लास्ट क्या लिखना है हमें? दिस सीरीज कन्वर्जेस, कन्वर्जेस फॉर, तो लास्ट में हमें क्या लिखना होगा? सीरीज जेड एन बाई एन स्क्वायर converges for z less than equal to 1, and ये आ गया हमारा conclusion, conclusion time, तो ये आ गया हमारा conclusion time, diverges for modulus of z greater than 1, क्योंकि boundary वाले points पे और उस circle के जो interior points हैं उन सभी points पे ये series convergent है, और बाहर के जो एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं, सर्कल के जो एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। नाउ आई होप आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत ना आए, अगर कहीं पे दिक्कत आती है आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हो कि कहां पे आप लोगों को दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, टिल देन गुड बाय।